दर्शन है दाम्पत्य, पति पत्नी के बीच में जो है वो भावना क्या होती है, जहाँ प्रीत होती है वहाँ एक दूसरे के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाई जाती, हाँ? आदर की भावना। बाबा ने भगवती को आदर से आसन दिया है, आप आइए बैठिए विराजिए। और जहाँ भारत में अंदर जो मध्य युग था, ये जो कुछ कुछ गुलामी का काल था, दूसरों की कुछ कुछ बुराइयां हमने स्वीकारी, हाँ? अक्सर मैंने पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ अजीब सा दुर्व्यवहार करते देखा, तो कैसे प्रीत अंदर पैदा हो सकती है ना, प्रेम ही नहीं, स्नेह ही नहीं, आदर ही नहीं। आप बलपूर्वक किसी किसी के साथ कैसे कुछ कर सकते हो, कर सकते हो क्या? अभी हमारे यहाँ जब विवाह होता है उसके बाद वो कंगना खेला जाता है, खेलते हैं ना, परात में पानी डालते हैं, उसमें हल्दी मिलाते हैं, फिर चांदी के उसमें कुछ सिक्के डालते हैं, फिर अंगूठी डालते हैं, कुछ उसमें धूप डाल देते हैं, फिर पति पत्नी वो कंगना खेलते हैं, और फिर वो दोनों को उकसाया जाता है। लड़के वाले कहते हैं देख देख हार मत जाना, नहीं तो जिंदगी भर छाती पे चढ़ी रहेगी। अब बलपूर्वक जीतने का प्रयत्न, और मुझे लगता है कि अपनों से हार जाना सबसे बड़ी जीत होती है, इससे बड़ी कोई जीत हो नहीं सकती। एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, अगर आदर नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? आप बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर तो बन सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते। मांग का सिंदूर बनना आसान है, पर अनुराग का सिंदूर जब परस्पर एक दूसरे के सद्गुण देख के आदर किया जाता है। देखो मेरे भोले बाबा क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भगवती ने वाम भाग में और हृदय में स्थान बनाने के लिए कितना बड़ा तप किया है, समझ रहे हो देवियों? हम लोग जो है ना गुरुदेव की शरण में आए, 48 मेरा ख्याल है 38 वर्ष हम उन दिनों में, कोई महिला संन्यास ले ये बहुत मुश्किल होता था। 40 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, कोई स्त्री कोई लड़की संन्यास की कल्पना नहीं कर सकती थी। हम लोगों ने संन्यास लिया लेकिन ऐसे छुप छुप के रहते थे जैसे कोई हमने पाप कर दिया, अपराध कर दिया। संतों के बीच जाने का मन करता, हमारे गुरुदेव तो बड़े क्रांतिकारी संत रहे जिन्होंने भारत की बेटियों को भी ये अवसर दिया, लेकिन हमें संतों के बीच में बैठने का अवसर नहीं मिलता था। पंजाब के हालत बहुत खराब हुए, बहुत खराब, आतंकवाद जबरदस्त था वहां, 84 के दंगे हो गए थे और बहुत विप्लव पैदा। उस समय सब लोगों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी हो गई थी। एक ही मां के पुत्र हैं केसधारी और सहजधारी, मुगलों से लोहा लेने के लिए हिंदू माताओं ने अपनी संतानें समर्पित की थी गुरुजी को, सिंह सजे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन विद्वेष राजनीति ने ऐसा बोया कि पंजाब की धरती लहू लुहान हो गई थी। उस समय मेरे मन में एक भावना जागृत होती थी, खालिस्तान की मांग हो रही थी, तो लगता था ननकाना की ओर चलो, यदि पौरुष ने ललकारा है, हाँ? सिस्क रहे लाहौर कराची पर अभी तक अधिकार नहीं, महापंचनद की माटी से रहा तुम्हें क्या प्यार नहीं, तक्षशिला बंदी जेलम की मुक्त अभी तक धार नहीं, खंडित है पंजाब समुच्चा कर पाए प्रतिकार नहीं, गुरुपुत्रों ने दीवारों से तुमको पुनः पुकारा है, खालिस्तान न मांगो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा। उस समय बहुत विकट परिस्थितियां थी, बहुत प्यारे संत थे, परम विरक्त विरक्त शिरोमणि, हम भाग्यशाली हमने ऐसे विरक्तों का दर्शन किया।
पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, उनके नेतृत्व में निश्चित हुआ कि पंजाब सद्भावना यात्रा लेके जाएंगे। संत जाएंगे, संत जाएंगे, मेरे गुरुदेव में नेतृत्व कर रहे, पूज्य वामदेव जी महाराज नेतृत्व करेंगे, और हम लोग, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम कहते गुरुदेव हमें भी पंजाब जाना। हम गाड़ी में रहते, संतों की सभा को सुनते, गाड़ी में बैठे बैठे सुनते। एक दिन मैंने व्याकुल होके कहा, गुरुदेव हम संतों के बीच क्यों नहीं बैठ सकते, हम संतों की बात क्यों नहीं सुन सकते, क्या हम गृहस्थियों से भी गए बीते हैं? तो मेरे गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, रितंभरा, देश धर्म के लिए जब काम करोगी तो संतों का अपने आप प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लग गई, और फिर क्या हुआ, राजस्थान में एक सरोही नाम की जगह महामंडलेश्वर राज राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सारे संत, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, जगत गुरु, सब शंकराचार्य जी वहाँ थे, और मंदिर के निर्माण का प्रचार करते 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 राम जन्मभूमि का हम भी वहाँ पहुँच गए। और जैसे संतों ने मुझे देखा तो संतों ने कहा, आजा आजा रितंभरा, मंच पे बैठो, तुम हम सब संतों की शक्ति हो। मुझे अवसर मिल गया संतों का आशीर्वाद पाने। अगर अगर किसी चीज की चाह है तो उसके लिए फिर तप करना पड़ेगा ना, उसके लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा ना, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा ना। भगवती वाम भाग में विराजी है, तो उनको कितना तपश्चर्या की आग से गुजरना पड़ा। उसका अर्थ है, स्वयं के अंतःकरण का वो जो दूषण था, वो जो संदेह था, वो जो कपट था, उस सब का त्याग राम कथा क्या करती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि करती है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।